This is that real freestyle, you know what I'm talking about? You know what I'm talking about? The way we going over here, you don't need no clout when you be riding with your... ये रिकॉर्ड है और ये डलेगा जरूर. आप यहाँ क्या खड़े हो? गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल, सभी क्या से करता हूँ भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे. वेलकम ऑल द लवली पीपल. क्या बात है भाई. देखो मौसम विभाग देख लो सीधे बाहर. भाई जी वहाँ पे सुट्टा पी रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है माहौल वहाँ पे. भाई जी ने मेरे को देख के सिगरेट यू रख दिया. यार गाली देगी यार. ये तो अपनी लाइफ का जरिया है, जिसको जैसी जीनी है वो वैसे जी सकता है. बाकी भाई उन्होंने मेरे को जैसी देखना उन्होंने यू रख दी सिगरेट. कोई दिक्कत नहीं है. अपने ब्लॉग एकदम भाई ग्रीन ब्लॉग है, हरे ब्लॉग है. मौसम विभाग एकदम खुल रखा है, जैसे कि आप लोगों को देख रहे होगा. थोड़ी लेट शुरुआत हो रही है. हमारी माता जी यहाँ पे काम कर रही है, हम ऊपर से आ गए हैं काम करके. तैयार होना है क्योंकि अभी दोस्तों का फोन आ गया है कि भाई सारदा भाई चलना है अभी जरा उधर ही सुरेश भैया के घर में, कि थोड़ा बास्केटबॉल खेल के आते हैं. तो मैं बोला चलो भाई, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से दोस्त लोग आए हैं, किसी के नए एडमिशन हुए हैं उनका, और हम तो पास आउट वाले हैं तो वो आ रहे हैं. तो फटाफट से तैयार होता हूँ, फिर मिलता हूँ. माँ क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? गाइस फिलहाल हमने बैग तो ऑल सेट कर दिया. और यहाँ देखो गाइस कितने कबूतर आए हैं. ये खाना खाने के लिए आए हैं. देखो ये सारे ना, ये इधर, और देखो इधर कोई और बैठा हुआ, ये कौआ बैठा है. देखा ये, देखो गाइस इधर कौआ है और उधर सारे कबूतर हैं. मतलब क्या करते हैं ये लड़ते हैं, एक दूसरे को खाना बहुत कम खाने देते हैं. मतलब इन्हें ना पार्टनरशिप नहीं है, कि पार्टनरशिप करवानी पड़ेगी. अब जैसे कौआ उड़ेगा ना तब कबूतर बैठ के खाएंगे. और अभी कौए के साथ कोई और खा रहे हैं क्या? गिलहरी खा रही है. गाइस कबूतर देखो इस तरफ बैठे हैं थोड़े, और इस तरफ कौए हैं, और बाकी के उधर वो आतंकवादी हैं सारे, जो आतंक मचाते रहते हैं ऊपर. ये देखो ये आतंकवादी है. आज मैं ही वेला था और मेरे दोस्त लोग वेले नहीं थे, मेरे को लग रहा है मैं बहुत जल्दी तैयार हो गया हूँ. आप यहाँ क्या खड़े हो? ये कैसे? गाइस पापा सो के आ रहे हैं. इतनी चिड़िया, इतने कबूतर, आप मानोगे नहीं. चिड़िया वाला डिपार्टमेंट इधर, कौए वाला इधर. कौए जब उड़ जा रहे तो कबूतर इधर बैठ रहे, वरना इधर. करम ही पूजा है बात. गाइस तो फिलहाल हमें आपको जैसे बोला ही है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हैं, और गोवा से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बच्चे. गाइस इसको बधाई देना चाहूंगा, भाई का हंसराज में हो गया है. और हमारे एक भाई और दूसरे भाई दुआ भाई अभी गोवा से आ रहे हैं. गोवा से घूम के नहीं आ रहे गाइस. टाइम इन सार्थक व्लॉग्स. दुआ भाई आज तक नहीं आए आप? फर्स्ट टाइम. बस तो कल का व्लॉग तो हिट होने वाला है. व्योम भाई क्या सीन? बस खेलेंगे आज भाई. सही बात है. एक साल बाद भाई दुआ भाई को बोलना बताना चाहेंगे. व्योम तुम बता दो कहाँ से आ रहे हैं? दुआ भाई घूम के नहीं आ रहे हैं, मर्चेंट नेवी का कोर्स खत्म कर आ रहे हैं गोवा से. मैरिटाइम्स इंस्टीट्यूट. कौन से में था तू? दुआ IMS गोवा. भाई भाई हंसराज मिल गया. कुछ पार्टी वार्टी दोगे जिंदगी में? नहीं दोगे? अरे यार अरे बातें कैसे पलटाते हैं लड़के, देख रहे हो? पार्टी देने के लिए ताली बजाने लग गया वो भाई. भाई देगा पार्टी? भाई पार्टी भी हो इससे. पार्टी तूने तो ले ही ली होगी. बस भाई मेरे को तो दे दी इसने, तुम्हें दुआ को भी नहीं दी होगी. बस भाई आज ही पार्टी करेंगे, जाते वक्त पार्टी. यार भैया पैसे नहीं है, गूगल पे करवा रहा हूँ. व्योम क्यों? ये खर्च बढ़ा देंगे यार, और अपने बर्थडे का भी ले लिया इनसे. अब तो भाई का बर्थडे आ रहा है तो उस दिन तो ग्रैंड पार्टी होने वाली. तो कुल्फी जम गई भाई, खेल के दिखाएगा. अच्छा कोशिश मत करियो गाइस, अगर आज अच्छा नहीं खेला इसको पैदल ले जाऊंगा घर तक. याद रखियो गाइस, जूनियर्स पे तो थोड़ा दबदबा बना ही सकते हैं ना, और वो भी अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले रेस्पेक्टेड सीनियर हमारे. तू तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी था, स्कूल से भी मेरा जूनियर था, पर मेरे टाइम में तो स्कूल में नहीं था. मेरे से कितना छोटा है तू? 4 साल ना? 3 साल. चल भाई खेल के दिखा दे, डंग डुंग बोल दियो, डंग डुंग कम ऑन. शूज पहन रहे अपना मस्त, पूरी टीम वार्म अप हो रही है यहाँ पे.
आज बढ़िया गेम लगने वाला है, बहुत जबरदस्त। ओ गाइस, हमारी प्रैक्टिस तो हो गई, पर अभी भी कुछ धुरंधर है जो खेलना चाहते हैं। भैया कुछ क्रेजी से मूव्स दिखा दो सुरेश भैया, होम ग्राउंड का कुछ फायदा उठाते हुए। ओ माय गॉड, स्ट्रीट मूव्स। हो 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 यार, पास कर दिया। भाई भाई दम तो है, लड़कों में दम है गाइस, लड़कों में दम है। आज मैं आपको थोड़ी बास्केटबॉल व्लॉगिंग दिखाता हूँ, स्ट्रेट अवे फ्रॉम पाला वाला। ओ वीडियो खुलते साथ ही ये मारने लगता है यार शॉट, वरना तो ये मार नहीं पाता। टॉली गुड यार, हंसराज में तूने दिखाया कुछ कि हंसराज कॉलेज में दम है। ओए फेलियर हो गया, फेलियर। ये रिकॉर्ड है और ये डलेगा जरूर। अब इसके लिए पैसे लगेंगे काटने के लिए। वो जा रहे हैं सुरेश भैया, होम ग्राउंड में एयर बॉल तो बनती नहीं है। भैया का घर मेरा सामने, यहाँ से ही सीधे भागते हैं वहां। श्रेष्ठ गार्डिंग श्रेष्ठ, देखते हैं क्या होता है। पैर के बीच से बॉल निकाली और ये शॉट, जानदार शॉट मारी गई है। बॉल उठाई और शॉट एंड पोस्ट मूव के लिए गाइस, बॉल उठाई और ओ ओ फ्री स्टाइलिंग ये एंड आउट। व्योम भाई की जर्सी देख लो गाइस पहले। व्योम भाई एब्स है भाई, एब्स है भाई, पेट अंदर कर लिया हमने। ओ हो गाइस, इस जगह का ना पाला वाला है ना, यहाँ पे बहुत पाला पड़ता है, देखो ये तो। ओ नाइस, ठीक है। अरे मार दो यार। केडी भैया टेल हिम, केडी भाई खतरनाक, केडी भैया मारेंगे। ओके केडी भैया प्लीज, मैं तो नहीं। रैप रैप है, कौन मारेगा भैया? सुरेश भैया कौन? बीट दो, बीट दो, बीट दे। रुक जा रुक जा रुक जा गाइस, हम जहाँ जाते हैं मैं ये गेम तो खेलते रहता हूं। वो नॉन कॉपीराइट बीट है क्या? कॉपीराइट पड़ जाएगा बोलना। गाइस जहाँ हम जाते हैं वहाँ टैलेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वेरी टैलेंटेड गाइस, बीट यार, कम ऑन लेट्स गो। भैया भैया को पता होगा ना, भैया खुद निकालेंगे। भैया फटाफट कोई नॉन कॉपीराइट बीट, कोई भी कॉपीराइट भाई। वो बोल रहे हैं कि आई एम अ आर्टिस्ट और मैं किसी भी बीट में रैप मार दूंगा। भैया कहाँ जा रहे हो, उधर मारेंगे क्या बीट? बीट तो रैप तो सुनाते हुए चले जाओ यार। सुरेश भैया फॉलो करना पड़ रहा है गाइस। भैया आप ना अगर छुपन छुपाई खेलोगे ना घर में, भैया आपने कभी ट्राई करा छुपन छुपाई खेलेगा? सुरेश भैया है, एक दिन खेलेंगे। यहाँ एक बारी जो छुप गया भैया, माधव भैया हैव यू प्लेड हाइड एंड सीक? हाँ क्यों नहीं, तो मैं कह रहा हूँ अगर इफ यू प्ले हाइड एंड सीक इन दिस हाउस, आउटसाइड में, इनसाइड, आउटसाइड में। Talk about my raps like that's the best dope that they ever told. These freestyle flows better than all the shit I ever wrote. This the mecca, I'm on the court, so you know I got a ball. Where did that be? On the rim, or the way that I be dropping all these bars? Boy, I'm going too hard. I'm with my man right now, and the phone's getting loud. Don't need no flashboard, I got all the light you need. I'm feeling like all the blood I'm bleed is way too filled with this HC. Yo, look in my eyes, they ain't red, they green, cause I'm a demon, green goblin, spider. Man, I'm going all for this shit, sending these rappers to their coffins. But we're in India, and I'm putting all you butchers in the dirt. Yo, you could take that and get buried over here. I'm in a hurry when it's coming out. This is that real freestyle, you know what I'm talking about. You know what I'm talking about. The way we going over here, you don't need no clout when you be riding with your boy. Boy, you be making noise out the car, out the country, out this shit going in out of space. Boy, you know, I've been feeling way too hungry. If I stumble, I be coming over that shit like I've been running hurdles, 100 meters. Give me the record, whoa. I'm feeling like I could go and smash a million records right over here. Discography, I'm going platinum. Chill out, chill out. भाई एक नंबर, एक नंबर भाई, टैलेंट ही टैलेंट, टैलेंट ही टैलेंट, भर भर के टैलेंटेड आर्टिस्ट है अपने साथ। सीरीज भी मजा आया। नो मैप्स, नो रूल्स, नो प्लान्स, जस्ट राइड गाइस। फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं भाई, एक बहुत ही बेहतरीन सा टैलेंटेड शो देख के।
बहुत ही एक नंबर रैप, मजा आ गया ना, भले समझ नहीं आया लेकिन भाई को समझ में नहीं आया, हमें भी समझ में नहीं आया थोड़ा, पर ठीक है अंग्रेजी में थोड़ा हार्ड टाइट है अपना इसका तो खासकर सीरीज भैया क्या बोले सीरीज भैया आया बोले समझ में नहीं आया कुछ, बोले हाँ अंग्रेजी में थोड़ा हार्ड टाइट है अपना नहीं हो जाएगा ठीक, इनके साथ रंगो तो हो जाएगा, वैसे भी फैमिली हो गया, फैमिली है ये, सेम टीम में रहते हैं ना गाइज, तो उधर वो वुडस्टॉक स्कूल से पढ़े जिनको पता होगा वुडस्टॉक से, तो वो भैया और अपने बहुत सीनियर है 6-7 साल, फुल इंग्लिश में बोलना पड़ता है उनकी टीम में, मेरे को बांट देते हैं भैया, और यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा दूर दूर से, अब देख अब दे। हाँ। सही बात है भाई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भाई, फिलहाल घर के बाहर तो पहुंच गया, लगता है जिम स्किप होगा क्योंकि यार ट्यूसडे है भाई, मंदिर जाना है अपन को, तो फटाफट से पहले मंदिर चलते हैं उसके बाद देखते हैं, क्योंकि 8:30 हो गए, 9:30 जिम बंद होता है, जाऊंगा तो फिर एक्सरसाइज कितनी मारूंगा ये भी नहीं पता, फिलहाल अभी फटाफट से मंदिर जाना तो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज इंग्लिश ज्यादा निकल रही है क्योंकि वहाँ इंग्लिश ज्यादा सुन ली ना, अभी जा रहे हैं भाई मंदिर, थक चुका हूँ भाई, खेले आज काफी और थोड़ी कमर वमर भी बूमबाम हो गई है, ये क्या भाई कौन फ्लोर गाइस, फिलहाल बढ़िया दर्शन भाई, बढ़िया एकदम बेहतरीन दर्शन, वहाँ एक बच्चा बैठता है, तो आज कैसे गाइस ना मैं ना लेट हो गया, मैं हर बारी कुछ ना कुछ देता हूँ, तो उसको पता है कि भैया आएंगे जरूर, तो वो मेरा वेट कर रहा था, तो भाई मैं लेट हो गया, बोलता है भैया आज लेट आए, मैंने बोला भाई तू समझता है मेरे को, पर फिर खुश हो गया, फिर उसको कुछ भी दे देता हूँ मैं थोड़ा बहुत कुछ भी, तो फिर मान गया, खुश हो गया, बोला भैया क्या बात है आज लेट हो गए पर आपका ही वेट कर रहा था, मैंने बोला कोई नहीं भाई आऊँगा तो मैं ज़रूर, चाहे लेट आऊँ चाहे सुबह आऊँ, कभी तू मेरे को मिलता है कभी नहीं मिलता है, पर कोई नहीं अभी चलते हैं घर, माँ खाने में गए, खाने में आ गए बटर पनीर, मटर मशरूम पनीर, दो मक्खन, रोटी और हलवा, भाई क्या बात है हलवा, आज जिम नहीं गए तो आज भाई खाना बहुत जल्दी मिल रहा है अपन को, और कुछ नहीं ताजी, बस कुछ नहीं है, तो खाना खा लेते हैं, नहीं ताजी नहीं है तो खाना खा लेते हैं, वो गाइस क्या ही दिन था भाई, जैसे कि आज आपने देखा भाई, आज मैंने थोड़ा ज्यादा बास्केटबॉल का दिखाया भाई, आज ओल्ड बॉलर गैंग इज बैक था अपना भाई, फुल फन कर डाला, और टैलेंटेड पीपल तो आपको पता है हमारे साथ कितने सारे घूमते हैं, और भाई मेरा मकसद मैंने आप लोगों को बोला है मैं हर टैलेंट को दिखाऊंगा भाई, जितने भी टैलेंट है ना, और अपनी तरफ से आपके पास भी कोई है ना मेरे को बुलाओ, मैं आऊंगा भाई, अगर दूसरे कहीं दूसरी सिटी में हो दूसरी स्टेट में हो तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर जब भी अपन टूर में आएंगे तो भाई पक्का टैलेंटेड लोगों को भाई उभारना है, मेरा मकसद यही है अपने व्लॉग्स के थ्रू, चाहे कैसे भी करके उभारेंगे जरूर, बाकी भाई वहीं आगे बैठ गए जहां पे वीडियो को एंड करते हैं, जाने से पहले बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शब्द बोल देता हूँ कि फेलियर होते हैं ना वो तब तक ही फेलियर कहलाते हैं जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन जाते, जहां आप सक्सेसफुल बन गए ना गाइस तो वो फेलियर ही आपकी बायोग्राफी में जाएंगे ऑटोबायोग्राफी बन के, तो वो भी एक स्टोरी बन जाएगी, तो गाइस फेलियर से मत डरिए, जो आपको लाइफ में करना है उसको ट्राई जरूर करिए, कल मिलते हैं बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ब्लॉग के साथ, टिल देन सार्थक बड़ा कहते हैं टाटा बाय बाय, love you all my chipli ki cheez, do hit the like subscribe button and the rapid boy Satak Bhatt wrapping up today for the vlog, bye bye